तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जी एक स्पेशल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। एक तो होती है जी ऑर्गेनिक नेचुरल कुदरती, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग घर पे बनाते हैं या जिसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। लेकिन कुछ होती हैं जी केमिकल फर्टिलाइज़र, जो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से और बहुत तेज़ ग्रो होती है। लेकिन हम आज बात करेंगे जी एक स्पेशल फर्टिलाइज़र NPK। NPK तो नॉर्मल होता है जी 19-19-19, जिसके अंदर सारे जो तीन मेन तत्व जो होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, पोटाशियम, फास्फोरस, ठीक, तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रो के लिए होते हैं जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर नाइट्रोजन का जो मेन रोल होता है वो आपके जो पौधे की जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो लीव्स बनाने में, ठीक है, स्टेम बनाने के अंदर इसका होता है जी मेन यूज़। लेकिन जो ये हमारी जो स्पेशल फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन आप देख सकते हैं कि 0%, यानी कि इस फर्टिलाइज़र के अंदर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन नहीं है। इसके अंदर है जी PK, यानी कि PK को अगर आप देखेंगे तो इसका जो नाम है जी मोनो पोटाशियम फोस्फेट। क्या बोलेंगे जी इसको? मोनो पोटाशियम फोस्फेट, P फॉर पोटाशियम, K फॉर फोस्फेट। अब पोटाशियम और फोस्फेट का जो रोल होता है जी हमारे प्लांट की ग्रोथ के अंदर वो होता है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जब प्लांट बड़ा होने लगता है, जब स्टार्टिंग के अंदर आप देखते हैं कि उसकी जड़ें बनती हैं, तो जड़ों की फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं कि पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जितनी ज़्यादा घनी जड़ें होंगी, जितनी ज़्यादा डेंस जड़ें होंगी, उतनी ही ज़्यादा वो उस मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसको वो एब्सॉर्ब करेगा। जब जड़ें ही नहीं बनेंगी तो आप देख सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो सब्जियां, एक तो जब पौधा स्टार्टिंग फेज के अंदर होता है, पत्तियां नज़र आती हैं, जब वो जब फूल देना स्टार्ट कर देता तो उसके अंदर PK की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फुलवारी है, यानी कि आप घर में बागीचा लगा रखा है जी आपने, आप चाहते हैं कि फूल बहुत अच्छे नज़र आए, ठीक, उनका जो साइज़ हो जी बड़ा हो, खूबसूरत हो, और बहुत जल्दी पैमाने पर और बहुत घनी तादाद के अंदर आपके गमले के अंदर फूल नज़र आए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसको हम कहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, वो हो जाती है जी हमारी PK, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 32% आप इसके अंदर देख सकते हैं जी क्या है, सोल्यूबल फॉस्फेट, यानी कि जो पानी के अंदर बहुत तेज़ी से घुल जाता है, ठीक, और 34% क्या है जी इसके अंदर, सोल्यूबल पोटाश, यानी कि पोटाश भी इसके अंदर मिला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। समझ में आ गया जी आपको? आपको फूल वाले, फ्लावर वाले प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, उसके अंदर आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जी। चलिए जी, ये तो होगी जी इसकी वैल्यू की बात। अगर आप इसको देखेंगे नॉर्मल जो डोज होती है कि हाँ जी हमको इसको पानी के अंदर कितना मिलाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुई है जी तकसीम 8 से 10 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर आप इसको मिला के अच्छी तरीके से, और गमले के जो पत्ते हैं उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोलियर के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है और प्लांट को डायरेक्टली वो मिल जाता है। आप इसकी जड़ों के अंदर भी, यानी कि पानी के अंदर मिला के, अगर आप पानी के अंदर मिला के डाल रहे हैं तो आप उसकी जो थोड़ी क्वांटिटी को कम कर लें या सेम भी रख लें, 6 से 7 ग्राम मिला लें या 5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर। सिर्फ कितना डालना है जी आपको? ये नॉर्मल जो टीस्पून होता है जी हमारा बाज़ार के अंदर मिल भी जाता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है इसके अंदर आराम से 7 से 8 आ जाता है, या हमारा जो नॉर्मल चाय का चम्मच जो होता है जो हम नॉर्मली खाने के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी आप लगभग 7 से 8 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से इसको मिला के, घोल के, पानी में डाल के, और उसके ऊपर प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे करें। तो स्प्रे करने का सबसे जो सही वक्त होता है जी वो होता है जी सुबह सुबह, ठीक, जब सूरज के अंदर बहुत तेज़ी ना हो, यानी कि अगर आप सूरज निकलने के अंदर, सूरज जब निकलता है तो 20 से 15 मिनट लगते हैं जी उसको निकलने में, उसके बाद उसकी जो ना शिद्दत वो ज़्यादा हो जाती है, जो ज़्यादा तेज़ गर्मी हो तो उस वक्त आप इसका स्प्रे ना करें, यानी कि सुबह सुबह के वक्त आप इसका स्प्रे करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये प्लांट के लिए हो जाता है। या शाम के वक्त जब सूरज ढलना स्टार्ट हो जाता है, जब सूरज डूबने से तकरीबन 1 घंटा पहले या आधे घंटे पहले भी आप स्प्रे कर दें। ज़्यादा गर्मी के अंदर दोपहर के वक्त आप इसका स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, ठीक है जी। तो तरीका हो गया जी कब करना है, कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमको
लेना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, तो इससे आप देखेंगे जो आपके जो प्लांट हैं, आप कोई सा भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ये तो प्लांट ग्रो के नाम से हमारा है, ठीक है। एनपी के नॉर्मल वाला भी आता है, और ये स्पेशली होता है जी सिर्फ फूलों के लिए, यानी कि जो आप फूलों के जो शौकीन ज़्यादा होते हैं उनके लिए होता है जी इम्पोर्टेंट। और हमने देखो इसके अंदर से निकाल लिया, ये है तकरीबन हमारा 7 से 8 ग्राम हो जाता है, ठीक है। वाइट कलर का हो, कोई भी कलर हो, ठीक है, बस आपका होना चाहिए एनपीके 54 50 52 34। कितना है जी ये 52 34, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है जी, 1 लीटर पानी के अंदर, यानी कि आपका स्प्रे है, आप 1 लीटर पानी के अंदर इसको डाल दें, ठीक है जी। हमने डाल दिया, अब आप इसको अच्छी तरह पानी के अंदर मिला लें, आप इसको अच्छी तरह पानी के अंदर मिला लें इसको, ठीक है, 2 से 3 मिनट, ये जो अच्छी तरीके से पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाए, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाए, और सब भी अच्छी तरीके से घुल जाए, या आप किसी कांच के चम्मच बर्तन के अंदर डाल के इसको घुमा लें, जब आपको लगे कि कलर डिसअपीयर हो गया, तो फिर आप इसको 1 लीटर पानी के अंदर जो आपने मिलाया, फिर उसको आप स्प्रे कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। इस वक्त आ गई जी हम अपने गार्डन में, यानी कि छत पर आ गए टेरिस के अंदर, और आप देख सकते हैं ये कुछ हैं जी हमारे फूलों वाले प्लांट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप ये है जी हमारे सदाबहार के आ गए, ठीक। तो ऐसे जिसके अंदर फूल आप ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक, तो उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, जैसे कि हमारा ये हो गया जी मधुमालती, ठीक है, ड्वार्फ मधुमालती का। इस वक्त हमारे ये तकरीबन 7:30 बजे का वक्त हो गया है, धूप है, ठीक, बट इतनी शिद्दत नहीं है धूप के अंदर, ठीक। और ये आप देख सकते हैं हमारा नोनिया घास, जिसको मोज़ रोज़ भी कहते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये स्प्रे हमारा हो जाता है। आप देख सकते हैं जिसको गुले दोपहरी भी हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा बोगनविलिया, ठीक है, ये हमारा वाइट वाला बोगनविलिया हो गया, ये रेड पिंक वाला बोगनविलिया हो गया, ठीक है, ये भी हमारा प्लांट है जी, ठीक। तो ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट जिसको फ्लावर बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी के अंदर चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट स्प्रे रहता है जी हमारा एनपीके, जिसके अंदर नाइट्रोजन आप देख सकते हैं कि बहुत नाम के बराबर होती। तो हम इसको करेंगे जी स्प्रे, आपने इसके अंदर कर लिया, अब आप इसके अंदर स्प्रे कर दें जी, ये फर्स्ट क्लास, आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट। ये आपकी देखेंगे जो फूल निकलने की जो शिद्दत है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कुछ कलियां बनी हैं, कुछ नहीं बनी, कुछ बनती हैं पर गिर जाती हैं, तो उसको ये आप देख सकते हैं आपको पूरा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा। और आप देखेंगे 4 से 5 दिन के अंदर इनकी जो कलियां, जो छोटी छोटी कलियां हैं, ये बहुत तेज़ी से होंगी जी ग्रो, और आपका जो गमला है फूलों से भर जाएगा, ठीक। तो ये थी जी हमारी एक अच्छी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।